नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांवड़ यात्रा मार्ग के भोजनालयों या रेडियो पर अब मालिकों का नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग के भोजनालयों को लेकर जारी निर्देशों पर रोक लगा दी। बता दें, यूपी और उत्तराखंड सरकार के इन निर्देशों में कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को ऐसी दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस भट्टी की बेंच ने सरकार के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ ने हालांकि साफ किया कि भोजनालयों को परोसा जा रहा भोजन प्रदर्शित करना चाहिए। यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जिस समय उन्हें इस तरह के फैसले की जानकारी मिली थी, उसी समय उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और इस कार्रवाई को रोके। सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है और इस वजह से इस तरह के फैसले ले रहे हैं। सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है और इसका दुख बीजेपी को है। ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में काफी समय से देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरह से राजनीतिक दलों का काम कर रहे हैं। जेडीयू के नेता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को आज फाइनल जवाब मिल गया। इस जवाब में कहा गया कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिल सकता। संसद में आज शुरू हुए बजट सत्र में जेडीयू के सांसद राम प्रतीत मंडल के सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि स्पेशल स्टेटस के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है वो बिहार में नहीं है। गौरतलब है कि बीते कुछ सालों से बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की मांग लगातार उठती रही है। बिहार में एक बार फिर ये मांग जोर पकड़ रही है। बिहार के स्पेशल स्टेटस देने से मना करने के केंद्र सरकार के जवाब के बाद आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। आरजेडी ने कहा है कि नीतीश कुमार और आरजेडी विशेष राज्य के दर्जे पर ढोंग की राजनीति करते हैं। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मांग की है कि नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा दें। वहीं कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी और नीतीश ने बिहार को धोखा दिया है। देश में पेपर लीक पर आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने आज संसद में ऐसा बयान दिया कि छात्र बिलबिला चाहेंगे। दरअसल कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने लोकसभा में कहा कि पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक के मामले सामने आए, जिस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। ये नीट पेपर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि एनटीए के बाद 240 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और इस दौरान नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष लगातार नीट परीक्षा में कथित धांधली को मुद्दा बना रहा है। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी बोले, जिनके सवालों के जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में कथित धांधली पर कहा कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और भारत की परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ नीट बल्कि सभी बड़ी परीक्षाओं में बेहद गंभीर समस्याएं हैं। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने खुद को दोषी ठहराने की जगह हर किसी को दोषी ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें तो ये भी लगता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके मूल तत्वों को शिक्षा मंत्री भी समझते हैं या नहीं। राहुल गांधी ने कहा, ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है और पैसे के बल पर परीक्षा का सौदा संभव है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कई तीखे सवाल पूछे और कहा, ये सरकार किसी और चीज का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पर आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई के जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं। लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ये मंत्री जी जब तक रहेंगे तब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले एक बार फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्म हो गया है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर चुके सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने राज्य में सत्ताधारी गठबंधन से पूछा कि आखिर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर उसका क्या रुख है। उन्होंने कहा कि मराठा कोटा पर विपक्षी दलों से उनका रुख क्यों पूछा जाता है। बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि मराठों को आरक्षण मिलने जा रहा है या नहीं।
उन्होंने राज्य सरकार पर मराठा समुदाय की चिंताओं पर विचार किए बिना वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में बीती 8 जुलाई को कांग्रेस से आए पूर्व विधायक रामनिवास रावत को शामिल किया गया था। करीब 13 दिनों के बाद रावत को विभाग दिया गया। विभागों के नए सिरे से बंटवारा करते हुए मुख्यमंत्री ने रावत को वन पर्यावरण विभाग का दायित्व सौंपा है। रावत को मंत्री बनाए जाने के पूर्व तक ये महकमा झाबुआ जिले की अलीराजपुर के विधायक नागर सिंह चौहान के पास था। विभागों में रद्दो बदल करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें कम महत्व वाला अनुसूचित जाति कल्याण विभाग सौंप दिया। विभाग बदलने से चौहान बेहद खफा हैं। नागर सिंह की नाराजगी सोमवार को खुलकर सामने आ गई। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा क्योंकि मैं मंत्री रहते हुए आदिवासी हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों को रोक लिया और बाइट सार्वजनिक करने से मना कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि अभी इस्तीफे का मामला होल्ड पर है, वो पहले भोपाल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो इस्तीफा दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने आरएसएस को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी रोक को हटा दिया है। अब सरकारी कर्मचारी भी संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने ये बैन लगाया था। अब 58 साल बाद इसे रद्द कर दिया गया है। 9 जुलाई 2024 को सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के हिस्सा लेने के संबंध में ये आदेश जारी किया जा रहा है। आगे लिखा है, समीक्षा करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 को जारी हुए सरकारी आदेशों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम हटा दिया जाए। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने भी इस फैसले की जानकारी दी है। केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और ये सही निर्णय भी था। उन्होंने आगे लिखा कि 4 जून 2024 के बाद प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही भी अब निक्कर में जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर कहा कि पिछले संसद सत्र के दौरान विपक्ष ने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज़ को रोकने और दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता। पीएम ने विपक्ष पर इशारा करते हुए कहा कि इसका उन लोगों को कोई पश्चाताप तक नहीं है और ना ही दिल में दर्द है। इसके आगे पीएम मोदी ने कहा कि वो आग्रह पूर्वक कहते हैं कि देश की जनता ने उन्हें देश के लिए भेजा है, ना किसी दल के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि सदन दल के लिए नहीं बल्कि सदन देश के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले सत्र में विपक्षी दलों ने कोशिश की कि मैं संसद में बोल ना सकूं। लोकतंत्र में ऐसी रणनीति का कोई स्थान नहीं है। पीएम ने कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने संसद के समय का उपयोग अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए किया। इस पर पत्रकार रणविजय ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को इतना कमजोर कभी नहीं देखा। वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे ने लिखा है कि मेरा वज्र कठोर हृदय द्रवित हो रहा है संतों। लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई तेज करने और टाइम्स फिक्स करने तक निर्देश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोबारा चुनाव लड़ने से पैर पीछे खींच लिए हैं और उत्तराधिकारी के रूप में उपराष्ट्रपति और भारतीय अमेरिकी नेता कमला हैरिस को चुना है, जिसके बाद कई डेमोक्रेट्स ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ट्रंप के खिलाफ पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में लड़ने का समर्थन किया। लेकिन पूर्व प्रतिनिधि जब सभा अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी सहित पार्टी के कुछ शक्तिशाली नेता चुप रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इस बात को लेकर काफी संदेह है कि क्या हैरिस ट्रंप को हरा सकते हैं। कुछ डेमोक्रेट्स ने सुझाव दिया है कि पार्टी को अगस्त में होने वाले सम्मेलन से पहले एक मिनी प्राइमरी आयोजित करनी चाहिए। सूर्य कुमार यादव को हाल ही में टीम इंडिया का नया T20 कप्तान बनाया गया है। सूर्या को श्रीलंका सीरीज के लिए कप्तानी का जिम्मा मिला है। हार्दिक पांड्या को भी इस टीम में जगह मिली है, लेकिन उन्हें उप कप्तानी की भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अब खुद चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने इसके पीछे का कारण बताया है। अजीत अगरकर ने और टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर ने पहली बार साथ में
प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सूर्या को कप्तान बनाए जाने को लेकर कहा कि सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया क्योंकि वो इसके लिए एक योग्य कैंडिडेट हैं। वो T20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। आप ऐसा कप्तान चाहते हैं जो सभी मैच खेले, इस वजह से सूर्या को ये जिम्मेदारी दी गई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कहा था। यहां से लगातार इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि दोनों प्लेयर्स वनडे या टेस्ट टीम के साथ कब तक रहेंगे। इस सवाल का जवाब खुद इंडियन हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया है। हेड कोच ने कहा कि दोनों प्लेयर्स ने दिखाया है कि वो बड़े मंच और बड़े टूर्नामेंट्स में क्या कर सकते हैं, चाहे वो T20 विश्व कप हो या फिर वनडे विश्व कप। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दोनों में बहुत क्रिकेट बाकी है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा दौरा होना है और ये दोनों निश्चित रूप से वहां अच्छा प्रदर्शन करने को उत्साहित होंगे। अगर उनकी फिटनेस बरकरार रहती है तो वो 2027 वनडे विश्व कप का भी हिस्सा हो सकते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।